हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में। बहुत लोग परेशान हैं कि दिमाग में कुछ इस तरीके की थॉट आती हैं अनवांटेड, जो हम चाहते नहीं हैं और हमारे को डिस्टर्ब कर चली जाती हैं। कई बार ये इंट्रूसिव थॉट कभी कभी आती है और कई बार ये अक्सर आने लगती है और कई बार इसकी इमेज भी बनने लग जाती है और कई बार कुछ फीलिंग के साथ भी आ जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप आसानी से इस तरीके की परेशानी से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे और इस तरीके की प्रॉब्लम से आप पहले ही बच जाएं। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इन इंट्रूसिव थॉट से कैसे डील करना है। उससे पहले मैं आपको एक केस बताती हूँ। ये 19 साल का एक लड़का है जिसके दिमाग में उसी की बहन के लिए कुछ इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि जब उसकी बहन नहाने जाती है तो वो अंदर बाथरूम में किस तरह से नहा रही होगी, कैसे अपने हाथ पैर कमर साफ कर रही होगी। इस तरीके के उसके दिमाग में थॉट आते हैं। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस हो गया, बहुत ज़्यादा अंदर अंदर दुखी हो गया। वो अपने आप को कोसने लगा कि मैं कैसा भाई हूँ, मैं अपनी बहन के बारे में इतनी गंदी सोच कैसे रख सकता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस ऑलरेडी था, परेशान था। कुछ ही टाइम बाद उस चीज़ को सोचते सोचते उसके दिमाग ने कुछ इमेजेस भी बनानी शुरू कर दी, जिसमें किस तरह से उसकी बहन सोप लगाकर अपनी बॉडी को रब कर रही होगी, उस तरीके की इमेज उसके दिमाग में बनने लगी। वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया और उसे लगने लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा इंसान है, वो अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। और इतना गिल्ट कॉन्शियस होकर भगवान से माफ़ी मांगना या फिर अब मैं ठीक नहीं हो पाया, ये इमेजेस मेरे दिमाग से नहीं गई तो मैं सुसाइड कर लूँगा। और परेशान होकर पढ़ाई से भी बिल्कुल अलग, खाना नहीं खाना, अपने आप को कमरे में बंद रखना। तो जैसे ही पेरेंट्स ने इस चीज़ को नोटिस किया कि कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो फिर उन्होंने उससे बात की थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे में। तब जाकर उसने बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है। थैंकफुली पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि इसके साथ जो हो रहा है वो शायद किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, वरना हमारा बेटा ऐसा है ही नहीं। तो उन्होंने तुरंत उसके ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच किया। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से वो लड़का अपने सारी इंट्रूसिव इमेजेस एंड थॉट प्रोसेस से फ्री हुआ। तो समझिए, इंट्रूसिव थॉट, इमेजेस या कोई भी इस तरीके की फीलिंग आपके दिमाग में आ सकती है। आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि जब भी इस तरीके का कुछ भी आपका माइंड आपके साथ गेम खेलना स्टार्ट करे तो आपको सबसे पहले रिलैक्स होना है। अब रिलैक्स क्यों होना है कि इतना गलत हमारे दिमाग में आ रहा है और हम रिलैक्स कैसे रह सकते हैं? आपको रिलैक्स इसलिए रहना है क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं, चाहे वो इमेज के फॉर्म में आ रहे हैं, वर्ड्स के फॉर्म में आ रहे हैं या किसी सेंसेशन फीलिंग के फॉर्म में आ रहा है, कुछ भी इंट्रोसिव, वो आप है ही नहीं, आप उससे अलग हैं। जो आपके थॉट्स हैं वो कैसे बनते हैं? जो भी इनपुट आपके 5 सेंसेस के ज़रिए जाता है, सो ये जो सेंसेस इनपुट अंदर भेजते हैं उसके बेसिस पर आपके अंदर थॉट्स बनते हैं। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें कुछ गलत या डिफेक्टिव माल नहीं बनता। तो ऐसे ही दिमाग की फैक्ट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी रॉन्ग थॉट या रॉन्ग इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि आपकी कॉन्शियस नॉलेज के बिना भी दिमाग में बहुत कुछ ऐसे तरह का कचरा जाता है। वो टीवी से आ सकता है, किसी वेब सीरीज से आ सकता है, किसी एड से आ सकता है, या कहीं पर इस तरीके की खबर पढ़कर आ सकता है। इस तरीके की खबरें भाई बहन के रिलेशनशिप की, या इस तरीके से भाई ने या फादर ने ही अपने बच्चे के साथ गलत रिलेशन बनाने की कोशिश करी, इस तरीके की न्यूज़ वगैरह अक्सर सावधान इंडिया में या फिर आपको अखबार वगैरह में मिल जाती है। तो कई बार इस तरीके की बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में फीड होती है। अब उसके बेसिस पर भी आपके माइंड में कई बार कुछ स्ट्रेस जोन में जाने की वजह से इस तरीके की कोई गलत थॉट या इमेज बन सकती है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपको अपने आप को जो थॉट्स हैं उससे अलग करना है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? Separate yourself from thoughts. भाई समझ जाओ कि आप thoughts नहीं। अगर आप अपने आप को thoughts मानने की गलती कर रहे हो कि जो मेरे अंदर thoughts हैं वो मैं हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपको समझना है कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी इस तरीके की thought आ रही है तो just relax। और सबसे पहले अपने आप को एक message दो कि हो सकता है कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर गई हो, वहाँ से इस तरीके की थॉट या इमेज बनी है मेरे दिमाग में। ये इमेज या ये थॉट मैं नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ।
सो जब आप इस तरीके से इस इंट्रूसिव थॉट या इमेज पर इनिशियल रिएक्शन देंगे और रिलैक्स रहेंगे, रिलैक्स रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ठीक है, इस तरीके की थॉट आ रही है, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि आपको कुछ तकलीफ होगी, परेशानी होगी, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप क्या करें, आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कुछ म्यूजिक सुन लें, या किसी भी एक पर्सन पे जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उससे डिस्कस भी कर सकते हैं कि मेरे माइंड में इस तरीके की थॉट आई या इमेज आई और मैं थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ। तो जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं, बात उसी पर्सन से करनी है जो पर्सन सेंसिबल हो और आपकी कुछ मदद कर सके, ये नहीं कि वो आपके दिमाग में और वहम डाल दे। तो किसी भी ऐसे पर्सन से बात कर कर भी आप रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि जो भी समझदार पर्सन होता है वो जानता है कि आप कैसे हैं और आपके दिमाग में इस तरीके की इमेज आ रही है, तो ये आप तो है नहीं, तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा ज़रूर बोल देंगे या फिर आपको कुछ हेल्प लेने के लिए बोलेंगे जिससे कि आपकी प्रॉब्लम इनिशियल लेवल पर ही बढ़ने से बच जाएगी। तो सिंपल सा क्या है, जब भी इस तरीके की थॉट या इमेज आ रही हो तो रिलैक्स। तो सबसे पहले हम रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं आपको, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए चाहे वो बॉडी मसाज हो या आपको इस तरीके के फूड खाना जो जो आपको लाइट उसमें रखते हैं, कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ जिससे कि आप अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। तो रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस तरीके की थॉट या फिर जो इस तरीके की इमेज आ रही है उससे जो आप फीलिंग है उस फीलिंग को सेटल डाउन करने के लिए आपको अंदर रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ाना होगा, क्योंकि जो फीलिंग आती है वही बेसिकली आपको किसी कंपल्सिव एक्ट की तरह ढकेल देती है। अगर आप थॉट या उसके इमेज आने पर पहले ही जो उससे फीलिंग एसोसिएट होने की कोशिश कर रही है या आप गलत तरीके से उस थॉट इमेज को खुद मानकर गिल्ट वाली जो बहुत ही हैवी फीलिंग है उसको अपने से अटैच कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर फिजिकल मेंटल डिस्कम्फर्ट बढ़ाएगी और जब वो डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रिलैक्स होना मुश्किल होगा। तो इनिशियल लेवल पर ही रिलैक्स होना सीखिए। फिर उसके बाद रेजिस्ट। अब जब आपके दिमाग में कुछ भी इस तरीके का आ रहा है और आप क्या है पहले से ही वो लड़का जैसे माफ़ी मांग रहा था, है ना, आप बार 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 अपने आप को कर्ज कर रहा था, वो सब चीज़ें आपको करने से बचनी है। माफ़ी किस लिए मांगना, अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि आप अपनी बहन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं या आप ऐसा फैंटेसी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप उस थॉट को अपने से ज़बरदस्ती अटैच कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ के लिए आपने माफ़ी मांग कर एक एक्शन ले लिया तो वो आपके माइंड के लिए एक रियल बन जाएगा। आपका माइंड उसको इस तरीके से परसीव करेगा कि आप उसे वैलिडेट कर रहे हैं कि यस ये थॉट आप है, आपकी हैं, आप चाहते हैं ऐसी थॉट, तो फिर वहाँ पर वो और ज़्यादा इस तरीके की थॉट्स को रिपीटेडली भेजेगा। तो आपको जो उसका एक एक्ट है उससे जुड़ा हुआ जो एक कंपल्सिव एक्ट आ रहा है उसको करने से वहीं पर रेजिस्ट करना है, रोक देना है, ब्लॉक करना है, जब वो थॉट आपकी है ही नहीं तो आप इतना गिल्ट कॉन्शियस होकर उसके लिए माफ़ी क्यों मांगना। आपको आपको बस अंडरस्टैंड करना है, आपको क्या करना है यहाँ पर उस थॉट के लिए जो भी आपका माइंड जो कंपल्शन कर रहा है उस कंपल्शन को वहीं पर ख़त्म कर कर क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। अब ये मुश्किल आपके लिए कैसे आसान हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर पहले ही रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ा चुके हैं। जैसे ही आपके अंदर रिलैक्सेशन का लेवल अच्छा खासा बढ़ा होगा तो आपको उस सिचुएशन में जो कंपल्शन आ रहा है उसे रेजिस्ट करने में आराम से हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जिस टाइम आप पर की एंग्जाइटी, आपके नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा आप पर हावी होंगे तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आपके अंदर वही कंपल्शन किसी भी तरीके का चलता रहेगा। जैसे इस लड़के का कंपल्शन था फौरन भगवान से माफ़ी मांगना कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, वो माफ़ी मांगना, कॉन्टीन्यूसली माफ़ी मांगना। तो वहाँ पर क्या था कि उस चीज़ को रेजिस्ट करना है और रेजिस्ट करने के लिए रिलैक्सेशन का लेवल आपको हेल्प करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि वो थॉट, वो इमेज आप हो ही नहीं, आप अलग हो या आपके अंदर आ रही है। फिर आपको क्या करना है, रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट। आपको उस तरीके की जो थॉट्स आ रही हैं आपको रिकग्नाइज करना है कि ओके आजकल मेरे दिमाग में इस तरीके की थॉट इमेज मेरी सिस्टर के लिए बन रही है। मैं इसी केस का एग्जांपल ले रही हूँ, आप अपना इसमें फिट कर लीजिएगा। तो आपको रिकग्नाइज करना है कि ओके मेरे साथ इस तरीके की प्रॉब्लम है कि मेरे दिमाग में थॉट आई, मैंने इस पर ओवर रिएक्ट किया, मैंने इसको अपने आप से अटैच कर लिया, इस वजह से इससे मेरी पहचान जुड़ गई और क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटेंस इमोशंस थे इस वजह से ये रिपीट हुई।
क्योंकि जहाँ पर भी आपके पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, वो चीज़ आपके दिमाग में रिपीट होती है। ज़रा इससे अलग हटकर सोचिए, आप जब प्यार में होते हैं किसी के, तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को फील कर रहे होते हैं। तो क्या जब आपके दिमाग में बार बार उस इंसान का ख्याल नहीं आता, उसको फ़ोन करने का, वो क्या कर रहा होगा, ठीक है, उससे बात कब होगी, तरह तरह के ख्याल नहीं आते हैं, तो पॉजिटिव इमोशंस के अटैच होने पर भी तो रिपीटेशन चलता रहता है ना आपके दिमाग में। आपको कोई वर्क बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको यू नो बहुत पैशन फील हो रहा है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है आपको, आपके दिमाग में उसके ख्याल बार बार नहीं आते हैं। तो किसी भी इमोशन को जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिव या पॉजिटिव आप फील करने लग जाते हैं, तो उसका रिपीटेशन तो आता ही है। तो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर, क्या रिकग्नाइज करना है, क्योंकि आपने उसे नेगेटिव जो इमोशन है अटैच कर लिया था, ठीक है, इस वजह से ही आपके अंदर क्या हो रहा है, वो थॉट रिपीट हो रहा है। थॉट रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने उससे क्या अटैच कर लिया था, जैसे नेगेटिव इमोशन इस लड़के ने क्या कर रहा था, गिल्ट। अब गिल्ट एक इतना इंटेंस इमोशन है, गिल्ट का मतलब है कि आप मान रहे हैं कि आपसे गलती हुई है, आप मान रहे हैं कि आप गुनाहगार हैं और आप अपने आप को कोस रहे हैं। अभी आप अपने आप को गलत मान रहे हैं, आप अपने आप को कोस रहे हैं, आप अपने आप को गुनाहगार मान रहे हैं, क्योंकि आपने एक ज़बरदस्ती की फालतू की थॉट से अपनी पहचान जोड़ ली है। तो आप वो जोड़ लिए तो वो तो भाई रिपीट होगी। तो आपको रिकग्नाइज करना है, आपको समझना है कि ये क्यों हो रहा है, रिकग्नाइज कर कर आपको एक्सेप्ट करना है कि अच्छा अभी मेरे अंदर माइंड में इस तरीके के पैटर्न्स बन गए हैं और ये थॉट मेरे दिमाग में आ रही है, यानी कि गड़बड़ी है मेरे माइंड के लेवल पर, मतलब इसके कुछ रॉन्ग पैटर्न्स जो मैं कभी चाहता भी नहीं था किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से बन गए हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है मेरे दिमाग में पहले से पड़ी हो, लेकिन बन अभी गए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैडम जब कुछ हुआ था तो तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हुआ ये कुछ टाइम बाद। तो कई बार हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन पहले कहीं भी होती है और उसके पैटर्न्स बाद में हमारे सामने रिफ्लेक्ट होते हैं। क्या होता है, अगर किसी भी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, ऑलरेडी एक बहुत थिंकिंग जोन में होते हैं या कुछ इस तरीके के इंसिडेंट हुए हुए होते हैं, तो हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे ब्रेन में केमिकल की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है और इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स इमेजेस कई बार बनने लग जाते हैं। सो इसमें इंफॉर्मेशन का भी रोल है और आपके जो माइंड में केमिकल केमिस्ट्री है उसका भी रोल है। तो समझिए, तो यहाँ पर जब आपने रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट कर लिया और आपने अपने आप को लगातार रिलैक्स कर रहे हैं और कोई कंपल्शन नहीं कर रहे हैं, अब आप एक ऐसे जोन में आ गए हैं जहां पर आप अपने आप पर मेहनत कर सकते हैं। तो अब आपको इसका रूट कॉज फाइंड आउट करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रूट कॉज फाइंड आउट करना। जब इस लड़के से मैंने बात की कि भाई इस तरीके के जो थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में बहन को लेकर आ रहे हैं, सोचो ज़रा, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बात सुनी या कुछ ऐसी बात हुई, सिस्टर से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, या कभी सिस्टर कपड़े चेंज करी हो या नहाने गई हो, दरवाज़ा खुला रह गया हो, या किसी और तरीके की कोई भी अगर तुमको याद पड़ रहा है, कोई फिल्म देखी हो, किसी दोस्त से सुना हो, अखबार में कुछ पढ़ा हो, कहीं कहीं कुछ सोर्स है क्या इसका, जिसके बेसिस पर माइंड इस तरीके की इंट्रूसिव थॉट या इमेजेस बना रहा है, या तुम्हारी लाइफ में कोई और स्ट्रेस चल रहा था, कुछ परेशान थे, ओवर थिंक करने की आदत है, या थॉट आई बस जस्ट ओवर थिंक करना शुरू कर दिया, मतलब उसका रूट कॉज पता करने की कोशिश करी। तो पता चला इस लड़के का लाइफस्टाइल ही बहुत ज़्यादा पुअर था। रात को 2 बजे सोना, अब रात को आप 2 बजे सो गए और आपको, चलिए अभी तो कुछ टाइम पहले तो ये लॉकडाउन वगैरह की वजह से सुबह उठने की इतना वो नहीं रहा, वर्क फ्रॉम होम या लोगों का स्कूल सब जो है ना घर से चल रहा था। अब ये लड़का क्या है कि फ्रीलांसर भी था, तो ये फ्रीलांसिंग भी करता था, अपना काम भी करता था और पढ़ाई भी चल रही थी, और उस सब चक्कर में रात को 2 बजे सोना और सुबह कभी 7 बजे उठना, कभी काम ज़्यादा है तो 6 बजे उठ जाना, कभी 9 बजे तक उठना, मतलब कुछ फिक्स नहीं था। रात को 1 बजे कुछ भी खा लेना, जंक फूड का बहुत ज़्यादा इनटेक, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, और हर चीज़ को ज़्यादा ही इसका मन से लगा लेने की, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, एक ओवर थिंक करने चल शुरुआत से ही थी। जब उसके पेरेंट्स से भी बात हुई तो पता चला कि वो छोटी छोटी बातों पर ओवरली रिएक्ट करता था, बहुत ज़्यादा महसूस कर जाता था और शुरू से ही उसे छोटी छोटी बातें डरा देती थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो इम्प्रूव हो गई कुछ चीज़ें, लेकिन उसके अंदर एक थी वो कि सेंसिटिव नेचर, ज़्यादा सोचने की और थोड़ा सा फियरफुल हो जाने की। फिर और बात की गई तो पता चला कि उसने न्यूज़ में 2-4 बार इस तरीके की पढ़ाई हुई बातें हैं, जैसे
कि एक कज़न, मतलब एक लड़के ने अपनी कज़न के साथ इस तरीके की कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करने की कोशिश करी। इस तरीके की खबरें तो अक्सर हम लोग पढ़ते ही हैं, है ना। तो वो भी उसके अंदर एक रेफरेंस पड़ा हुआ था। फिर पता चला कि उसने एक ऐसा टीवी में एपिसोड देखा हुआ था, एक सीरियल में, जिसमें कि एक लड़का छुप छुप कर अपनी बहन को कपड़े बदलते हुए देखता था। तो अब ये भी उसके अंदर देखा था, लेकिन उसने ये पहले देखा था, एकदम नहीं है कि जब उसके दिमाग में आनी शुरू हुई थी तो उसी से दो चार दिन पहले, लेकिन उसके अंदर वो एक मिला कि हाँ इस तरीके का वो था। उसने इस तरीके की यार दोस्तों में भी बहुत सारी चीज़ें सुनी भी थी कि भाई देख उसकी बहन कमाल है, ये है वो है, और कई बार तो जो है ना लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं, कई बार तो ऐसा होता है यार अपनी ही बहन बहुत सुंदर होती है, लेकिन क्या करें, भगवान ने ये रूल बनाया है कि अपनी बहन को अलग उससे देखना, दूसरे की अलग देखना। अब इस तरीके की टॉक्स नॉर्मली किसी भी अच्छे लड़कों के मुंह से नहीं निकलती हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में हर तरीके का इंसान है, सबकी सोच बहुत अलग अलग है। मैंने खुद ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं जिसमें अपनी ही रियल सिस्टर के साथ बचपन में बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी बड़ी दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, अलग अलग सोच है, तो उसके दिमाग में कुछ कुछ इस तरीके के इन्फॉर्मेशन के ऑलरेडी स्टोर थी। अब वो अपनी बहन के लिए ऐसा ना कभी सोच सकता था, ना चाहता था सोचना, वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन जब उसके अंदर उसके पूर लाइफस्टाइल और उसकी ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन की वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अंदर केमिस्ट्री बढ़ गई, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसके दिमाग ने इस तरीके की थॉट्स प्रोड्यूस कर दी। अब हुआ क्या था कि जब उसके दिमाग में इस तरीके की थॉट्स आनी शुरू हुई थी, उससे लगभग 10 दिन पहले ही उसकी सिस्टर कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, और जाने के लिए वो तैयार हो रही थी तो उसने एक जो ड्रेस पहना था उसमें पीछे उसे नॉट लगवानी थी। अब मम्मी घर में अवेलेबल नहीं थी, अब सिस्टर ने भाई से, क्योंकि अच्छा ही बॉन्ड होता है, तो कई बार सिस्टर इस तरीके से अपने भाई से भी बनवा लेती है नॉट कि भाई बांध दे इसमें। तो इसमें अगर एक नॉर्मल उससे देखा जाए स्टैंड पॉइंट से, तो कुछ ऐसी खराब बात नहीं है कि एक सिस्टर ने अपने भाई से नॉट बनवा ली, क्योंकि उसके मन में कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं थी, उसके देख मेरा भाई बांध रहा है, भाई मेरे से नहीं बांध रही है तो बांध दे। तब उसके भाई ने उसकी नॉट बांधी तो उसका नेक पीछे से डीप था। अब उसने बांध तो दी, लेकिन वो अनकंफर्टेबल था उस टाइम पर नॉट बांधते हुए। तो उसने बताया कि जब उसके दिमाग में इस तरीके की थॉट्स आनी शुरू हुई थी, उसे तकरीबन 10 दिन पहले उसने अपनी बहन की ड्रेस की नॉट बांधी थी, जिसमें वो बहुत अनकंफर्टेबल था, और उसके बाद उसके माइंड में कुछ देर तक वो डिस्कम्फर्ट चलता रहा और उसे अच्छा नहीं लगा। मतलब वो सिस्टर को मना भी नहीं कर पाया कि मैं नहीं बांध रहा, तू जा यहाँ से, और वो उसने बांध भी दी और अनकंफर्टेबल रहा, और उसके दिमाग में वो बात, वो सीन कुछ टाइम तक चलता रहा। तो अब यहाँ पर वो सब चीज़ें क्लियर हो गई थी उसके माइंड ने, इस तरीके की जो कचरा थॉट है वो किस बेसिस पर बनाई होगी। तो वहाँ पर आपको ये रूट कॉज पता चल गया। सो जो मैंने आपको इस केस का बताया कि रूट कॉज कैसे पता चला, तो अब रूट कॉज पता चल गया, तो रूट कॉज पता चलते ही आपको क्लियर हो जाता है, अच्छा मेरे अंदर इस तरीके के कई सारे इन्फॉर्मेशन थी जो आपस में इस तरीके से गलत तरीके से जुड़ गई हैं, और उसके बेस पर इंट्रूसिव थॉट का मतलब ही होता है ना गलत सलत ऐसी बेतुकी सी या कभी भी आकर दखल कर देने वाली जो है ना थॉट्स, जिनका कोई सर पैर नहीं होता। तो अब वो लड़का अपनी बहन की ड्रेस की नॉट बांधते वक्त बहुत डिस्कम्फर्ट में था, अच्छा नहीं लग रहा था उसे, एंड उसके दिमाग में वो चीज़ कि वो अपनी बहन की नॉट बांध रहा है और उसकी बैक जो उसको दिखाई दे रही थी, वो उसके दिमाग में डिस्कम्फर्ट चलता रहा था कुछ टाइम तक। तो उसके बाद से ही उसको इस तरीके की इमेजेस और ये थॉट्स बनने शुरू हो गए थे। तो अब वो समझ गया था कि अच्छा ये सब मेरे दिमाग में इन्फॉर्मेशन होने की वजह से, थोड़ा सा मेरे पुअर लाइफस्टाइल और अंदर केमिस्ट्री चेंज होने की वजह से इस तरीके की इंट्रूसिव थॉट्स मेरे अंदर बन गई हैं। तो वो काफ़ी हद तक वहीं पर रिलैक्स हो गया था, वो समझ गया था कि थॉट्स मैं नहीं हूँ, ये मेरे ज़्यादा सोचने की वजह से, और ये सब जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी वजह से ये सब मेरे दिमाग में बनी है। तो रूट कॉज पता चलते ही आप ऐसा मानिए कि 50-60% तो वहीं पर ही आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। देन फिर उसके बाद रेशनल थिंकिंग, यानी कि उसी एक सिचुएशन को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, रेशनलाइज करना उस चीज़ को, रियलिस्टिक वे में आपको देखना उस चीज़ को। अब उसके दिमाग में जो इस तरीके की इमेज आ रही थी, उसके दिमाग में जो एक थॉट प्रोसेस की सिस्टर बाथरूम में क्या करती होगी, उसी सेम सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देखने के लिए इनक्रेज किया गया कि भाई देखो और समझो इस तरीके की थॉट आ रही है, अंडरस्टैंड करो कि मेरे अंदर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है,
इस वजह से ये मेरे अंदर थॉट आ रही है। अब क्योंकि मैं इस पर रिएक्ट कर रहा हूँ, मैंने इससे अपने आप से अटैच कर लिया है और मैंने अपने आप को दोषी मान लिया है, तो ये मेरे से पहचान जुड़ गई है, इस वजह से मेरे दिमाग में आ रही है। तो अभी सिस्टर के लिए आपकी फीलिंग क्या है? सिस्टर के लिए उसके अंदर फीलिंग थी कि भाई मेरी सिस्टर मुझसे 2 साल बड़ी है, मैं अपनी सिस्टर को रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, हम एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। ना मेरी सिस्टर के मन में किसी तरीके की कोई गलत फीलिंग थी जब उसने मुझसे नॉट बनवाई, और ना ही मेरे मन में थी। घर में मम्मी अवेलेबल नहीं थी, अब उसको कहीं जाना था अर्जेंटली, उससे बंध नहीं रही थी, तो डेफिनेटली उसने जस्ट आउट ऑफ लव कि छोटा भाई है मेरा, उससे बंधवा ली। तो वो बनवा ली आपने, क्योंकि उसको ओवरथिंक करा तो आपके माइंड में उसके कुछ पैटर्न बन गए, आप बहुत डिस्कम्फर्ट में, तो पैटर्न बन गए उस चीज़ के, जस्ट इस वजह से आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस आना शुरू हो गया। तो अभी वो इस चीज़ को इस तरीके से रेशनलाइज कर रहा था कि इस तरीके की एक थॉट मेरे डिस्कम्फर्ट की वजह से बनी और मैंने उसे अपने आप से अटैच कर लिया, इस वजह से ये फियर की वजह से मेरे माइंड में रिपीट होती है। अदरवाइज मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स मेरी सिस्टर के लिए बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा ये थॉट बनाने के बाद उसको जो एक्सपोजर एक्टिविटी दी गई वो ये था कि उसको अपनी बहन के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना है, उसको अपनी बहन के साथ एक अच्छे से बॉन्ड शेयर करना है, उसको डरना नहीं, उससे अलग नहीं रहना, उसे अवॉइड नहीं करना है, उसे वो चाहे नहाने जा रही हो, वो खाना खा रही हो या तैयार हो रही हो, उसके हर एक्टिविटी को आप पता रखते हुए भी अपने अंदर जो कोई थॉट बनने की कोशिश करिए, जो इमेज बनने की कोशिश करिए, उस थॉट को अनएड्रेस छोड़ना है। मतलब उसको बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है इस फजूल की बात को, कि एक ही बात को आप बार बार 50 बार एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना देंगे, आप एक बार क्लियर हो गए, खत्म हुआ वो काम। आप ना तो उस थॉट को, उस इमेज को बार बार एक्सप्लेन करेंगे अपने माइंड में, और ना ही आप उससे कोई भी फियर अपने अंदर अटैच करेंगे, ना कोई गिल्ट वाली फीलिंग। थॉट आ रही है, सिर्फ आप उस थॉट को नोटिस कर रहे हो और आपके पास अपना रेशनल थिंकिंग है, आप अंडरस्टैंड कर चुके हो उस चीज़ को, और आप उसी रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उस थॉट को नोटिस किया और उसे अनएड्रेस्ड। कहते हैं ना कि फालतू के उनको मुंह भी नहीं लगाना होता है, क्यों, अपना ही टाइम खराब हो जाता है। तो फालतू की थॉट जो इंट्रूसिव आ रही है, आपकी इमेज आ रही है, उसे आपको मुंह भी नहीं लगाना है, उसको एड्रेस ही नहीं करना है, जस्ट आपको नोटिस करना है। नोटिस करके उसको इग्नोर, क्यों इग्नोर कर पा रहे हैं आप, क्योंकि आप उससे पहले का इतना सब कुछ कर चुके हैं। अगर आप इतना सब कुछ नहीं करेंगे तो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, फिर तो आप फंस जाएंगे, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी इतने अच्छे तरह से सॉलिड स्टेप ले चुके हैं, तो अब आप जस्ट उसको नोटिस कर रहे हैं एंड कॉन्फिडेंटली जो चीज़ अब आपको समझ में आ गई है उसके अकॉर्डिंग उस सिचुएशन में आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो जब आप रेशनलाइज उसको कर लेते हैं और उस रेशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस नए थॉट प्रोसेस के साथ, सिंपली क्योंकि एकदम से जो थॉट आ रही थी, इमेज आ रही थी, वो एकदम तो नहीं गायब हो जाएगी ना, उसे गायब होते होते भी टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, इतने आप ना उसको जो अपने थॉट प्रोसेस नया बनाया है आपने, क्योंकि नया थॉट प्रोसेस बनाते ही आपके माइंड में नए पैटर्न्स डेवलप होंगे, तो वो थॉट आ रही है उस सिचुएशन में, तो आप उसे तो अब एड्रेस कर नहीं रहे हैं। अब जो नया थॉट है उसी पर टिके होकर आप साथ के साथ एक्सपोजर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो नया पैटर्न है वो इतनी तेजी से बनेगा, जो पुराना है वो अनएड्रेस्ड होने की वजह से वहीं पर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। और कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस में इस तरीके से आप देखेंगे कि पुराना थॉट प्रोसेस गायब, और साथ ही साथ लाइफस्टाइल सुधारा उसका, उसका जो स्लीप साइकिल था वो सुधारा, एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस की गई, उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज की गई, और इन जर्नल जो उसका ओवर थिंकिंग का नेचर था, इन जर्नल जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी थी हर चीज़ को लेकर, उन सब की इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स उसको सिखाई गई, तब जाकर वो कम्प्लीटली जस्ट 5 मंथ्स में अपनी सारी प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर हो गया। जस्ट उसने इतनी अच्छी तरीके से फॉलो किया, अदरवाइज जनरली मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कम से कम 6-8 महीने लग जाते हैं, लेकिन उसने इतनी अच्छी तरीके से फॉलो किया कि जस्ट 5 मंथ्स कंप्लीट होने में भी 3-4 दिन थे, उससे पहले ही उसका ट्रीटमेंट भी ओवर हो गया और वो बहुत अच्छी तरीके से हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहा है, और उसी की परमिशन की वजह से आज मैं ये वीडियो आपको बना पा रही हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि आप भी इस तरह से ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, रेशनल थिंकिंग के बाद आपको उसी थॉट प्रोसेस में कॉन्फिडेंट होकर आपको एक्सपोजर करना है, लाइफस्टाइल करेक्शन करने हैं। अब लाइफस्टाइल करेक्शन में सारे आ जाएंगे, चाहे आपका स्लीप साइकिल हो या आपका ईटिंग हैबिट्स हो,
हर कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये सब कर कर जब आप कुछ टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ओसीडी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या अभी इंट्रूसिव इमेज आपके अंदर आनी शुरू हुई है वो पूरा ओसीडी नहीं भी बना है तब भी आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को पहुँचाकर मेंटल हेल्थ मिशन में मेरा साथ दीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूँ जिससे आप घर बैठे ही अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा एफर्ट कैसा लगता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना खास ख्याल रखना है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।